आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कुरान तर्जुमे वाली उठाइएगा। अगर आपके पास तर्जुमे वाली कुरान नहीं है, गूगल करिएगा और उसमें लिखिएगा सूरह मरियम सूरह नंबर 19 की आयत नंबर 88 से 92 कि अल्लाह ताला उसमें क्या फरमा रहा है हमसे। अल्लाह ताला उसमें हमसे कह रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बेटा जना, वो मेरे लिए बहुत बुरी गाली है, और अगर ये बात आसमान या पहाड़ जमीन सुन ले, उनके अंदर अगर फीलिंग्स होती अगर वो सुन लेते तो वो जमीन फट पड़ती, आसमान खुल पड़ता, पहाड़ रजा रजा हो जाता। कि हम मुसलमानों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बहुत शर्म की बात है मेरे भाई। अब इसमें बहुत से ये लोग कहेंगे कि मेरी क्रिसमस बोलने में क्या मसला है भाई मेरे, यार ये छोटी सोच वाले मौलवी और ये लोग, ऐसे मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे भी लोग गाली देंगे कि ये इसमें क्या मसला है, किसी को मेरी क्रिसमस बोल दो, इस्लाम तो हर चीज में इंटरफेयर करता। नहीं मेरे भाई, इस्लाम शिर्क के मामले में किसी से कंप्रोमाइज नहीं करता। क्रिश्चियन एकेडमिक्स जो है, क्रिश्चियन मिशनरीज जो है, वो खुद अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि ये मेरी क्रिसमस पिगन है, ये शिर्क है, ये हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन अंडरस्टैंड दैट डिसेंबर 25th इज मोर देन लाइकली नॉट द एक्चुअल बर्थ डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट। वी अंडरस्टैंड दैट इन फैक्ट वी कैन बी प्रीटी श्योर ही वाजंट बोर्न दैट टाइम ऑफ ईयर। यू नो अप टू 400 AD no Christians were celebrating Christmas around the 25th of December. What does the Bible say about Christmas? Well, if you look through it, it says nothing, absolutely nothing. It doesn't even mention the date of Jesus' birth. हम मुसलमान, हर चौथा मुसलमान मेरी क्रिसमस का स्टेटस लगाया, आपको दिखेगा। मेरे भाई ये शिर्क है। अगर आप मेरी क्रिसमस बोलते हैं तो आप ये तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ताला ने नौज़ बिल्ला 25 दिसंबर को बेटा जना। हाँ मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत से क्या सारे मुसलमान का ये अकीदा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने बेटा जना, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो किसी भी दर्जे का मुसलमान हो। लेकिन मेरे भाई शिर्क के मामले में अल्लाह बिल्कुल वाज़े फरमा रहा है कि अगर आपने अल्लाह के अलावा किसी एक मक्खी को भी शरीक किया तो वो शिर्क है, या आपके दिल में नहीं है, आपने सिर्फ एक्ट किया शिर्क का तो वो भी शिर्क है। तो प्लीज़ मेरे भाई, किसी भी हाल में किसी को खुश रखने के लिए, या अपने कॉलेजेस में फ्रेंड्स को खुश रखने के लिए, या अपनी गर्लफ्रेंड्स को खुश रखने के लिए मेरी क्रिसमस ना बोलें, हरगिज़ ना बोलें, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा शिर्क को। शिर्क अल्लाह ताला कह रहा है कि सबसे बड़ा गुनाह है, और जो भी इंसान शिर्क की हालत में मरा तो उस पर जन्नत हराम है। तो मेरे भाई, मेरी क्रिसमस बोलना, इसमें इस फंक्शन को अटेंड करना, या किसी भी लिहाज से आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, वहाँ की मजबूरी हो, कोई भी हो, अल्लाह ताला कुछ भी नहीं सुनेगा। हाँ उनको मनाने दो, उनको, वो बिल्कुल अपने अपने मजहब को सेलिब्रेट करें, वो मेरी क्रिसमस मनाते हैं, हम उन्हें दावत देंगे, नहीं मानेंगे तो बिल्कुल मनाएं वो, हम उनको बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन मेरे भाई इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनके मामलों में शरीक हो जाएंगे। और अबू दाऊद की भी एक हदीस है कि जो जिस मजहब की मुशाबियत करेगा, जो जिस मजहब को पसंद करेगा, अल्लाह ताला उसको उसी की तरह उठाएगा, उसी में कर देगा। तो हमें किसी की मुशाबियत नहीं करनी है इस्लाम के अलावा, और हमें शिर्क के मामले में किसी का भी सपोर्ट नहीं करना है। कोई मजहब अगर फाउंडेशन बनाता है और उसमें काम करता है ये कि किसी की मदद करनी है, किसी की दवा इलाज करना है, किसी को कपड़े देना, किसी को खाना खिलाना, तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं, हम उनके साथ उनका सपोर्ट करेंगे, उनके साथ रहेंगे। लेकिन अगर कोई शिर्क का मामला आएगा तो हम बिल्कुल उनसे कहेंगे कि ये हमारे मजहब में बिल्कुल भी हराम है, हम आपका सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारा मजहब इजाज़त नहीं देता है कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करें, वो चाहे दिल से करें या एक्ट कर रहे हो, हम एक्शन कर रहे हो या हम दिखावटी कर रहे हो। तो मेरे भाई हम इतना ना गिरे कि अल्लाह ताला हम पे जन्नत हराम कर दे।